नमस्कार दोस्तों दोस्तों मनोकामना मंदिर एक हिंदू मंदिर जो कि नेपाल के गोरखा जिला मनकामना गांव में स्थित है। दोस्तों मनोकामना का अर्थ है व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने वाला मंदिर। दोस्तों यह मंदिर नेपाल के प्रसिद्ध मंदिरों में से आता है जहां पर हर नेपाली अपने जीवन काल में एक बार जरूर जाना चाहता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनोकामना मंदिर कैसे जाएं, रुकने और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें। इसके साथ ही साथ मनोकामना मंदिर की कहानी और इसके इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। मनोकामना मंदिर जाने पर कितना खर्चा आएगा, तो सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं और आपका मन मनोकामना मंदिर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपका अपना चैनल आवारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मनोकामना मंदिर कैसे जाएं। दोस्तों काठमांडू से मनोकामना मंदिर की दूरी 106 किलोमीटर है। मनोकामना मंदिर जाने के लिए काठमांडू के बस स्टॉप गोंग बाबू न्यू बस स्टॉप से पोखरा जाने वाले बस पर आप बैठ जाएं और बस वालों को बता दें कि आपको मनोकामना मंदिर जाना है। उसके बाद आपको ये बात खुद भी ध्यान में रखना है कि आपको मुंगलिंग से 26 किलोमीटर पहले ही उतर जाना है। उतरकर सड़क के दाहिने तरफ ही मनोकामना मंदिर देवी का प्रवेश द्वार है। वहीं अगर आप भी मेरी तरह अपनी प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं तो आप इंडिया से काठमांडू और काठमांडू के लिए जीपीएस का सहारा लेकर आप मनोकामना मंदिर देवी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि माता जिनको बुलाती हैं वही इस मंदिर में आते हैं। दोस्तों हम लोग भी इस मंदिर के बारे में पहले से नहीं जानते थे। हम काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहे थे तभी हमारी नजर यहाँ पर लगे बड़े बड़े सीमेंट की एडवर्टाइजमेंट पर हमारी नजर गई और हमने ध्यान से देखा कि कुछ केबल कार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग गेट पर खड़े होकर कुछ लोगों से मंदिर के बारे में पूछा और चल पड़े मनोकामना मंदिर की ओर। चलिए दोस्तों हम अपने हिसाब से और अपने साधन से मंदिर के परिसर में अब पहुंच गए हैं। अब हमको आगे क्या करना है। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर में आएंगे सबसे पहले कार पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक पार्किंग के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। कार पार्किंग के लिए 30 रुपया नेपाली पर आवर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी कार और बाइक दोनों को पार्किंग में पार्क कर दो। बाइक वालों के लिए यहाँ पर हेलमेट काउंटर भी बनाए गए हैं। अगर आपके पास हेलमेट है तो आप हेलमेट भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि केबल कार यानी रोपवे के लिए टिकट कैसे लें और कितना पैसा लगेगा। आप इंडियन एक्सेप्ट करेंगे? हाँ हाँ इंडियन एक्सेप्ट करेंगे। कितना हुआ इंडियन में? इंडियन करेंसी कितना? $100 विद्यार्थी छूट तथा सहूलियत टिकट पर्चा अनिवार्य है। ये रास्ता मंदिर के लिए जाएगा केबल कार से।
दोस्तों मंदिर तक जाने के लिए केबल कार का सफर तय करना पड़ता है। नदी और पहाड़ों के ऊपर से केबल कार का यह सफर बेहद ही रोमांचक होता है। केबल पर झूलती कार में बैठने के बाद लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। इस केबल कार में करीब 16 से 20 मिनट लगता है और हम अपने सफर को पूरा करने के बाद हम मनोकामना गाँव पहुँचते हैं। दोस्तों ये जो रेट कार्ड है यहाँ पर केबल कार में कितना पैसा लगेगा मैं अपने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। दोस्तों केबल कार में सफर करते वक्त हम लोगों को लगा था कि शायद इस पहाड़ पर एक मंदिर होगा, लेकिन जब हम मनोकामना गांव पहुंचते हैं तो सोचते हैं शायद 10 से 20 घर होंगे। आप नीचे देख रहे हो और हमें उतर कर यहाँ पर गांव भी बसे हुए हैं इन पहाड़ियों में। देखो सुंदर सा घर बना हुआ है। दिस इज अर्ध खाची। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते गए तो देखने पर पता चला यहाँ पर तो पूरा शहर ही बसा हुआ है। ये सब पहली बार देखना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें। दोस्तों जब हम मंदिर की तरफ जाने लगते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 150 नेपाली रुपया में आसानी से खाना आपको खाने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप मंदिर के आसपास स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपया नेपाली रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर कमरा मिल जाएगा, तो आप कहीं पर यहाँ पर रह सकते हैं। These guys are in the studio. वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, वेजिटेरियन नेपाली खाना। खाली फोटो सफाई को मासु थोई कर। चलिए दोस्तों अब हम मंदिर पहुंच गए हैं, अब हम बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों मनोकामना मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक किंवदंती बताती है कि गोरखा राजा राम शाह की रानी के पास दैवीय शक्तियां थी। उनके भक्त लखन थापा के अलावा उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हालांकि एक बार राजा ने अपनी रानी को उनके दिव्य रूप में देख लिया था, जिसमें थापा सिंह के रूप में उनकी रानी थी। इसके तुरंत बाद राजा की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और उस समय के रस्म के अनुसार रानी चिता में कूदकर यानी सती हो गई थी। 6 महीने बाद एक बार एक किसान ने गलती से एक पत्थर को चोट मार दी थी। उस पत्थर से अचानक रक्त और दूध एक साथ निकलने लगे थे। इस बात को किसान ने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने जब यह देखा तो देवी माँ का अवतार मानकर पूजा करने लगे और एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस मंदिर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और मनोकामना मंदिर हमें कब जाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि या दुर्गा पूजा को बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। किंवदंती के अनुसार दुर्गा देवी ने दुनिया को बचाने और धर्म को बहाल करने के लिए राक्षस राजा महिषासुर को हराया था, इसलिए नवरात्रि के समय मनोकामना मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ लगती है। इसके साथ ही साथ नाग पंचमी हिंदू धर्म में सांपों की पारंपरिक पूजा का दिन होता है और पूरे भारत और नेपाल में प्रमुख रूप
से मनाया जाता है। दोस्तों मनोकामना दर्शन सितंबर अक्टूबर और नागपंचमी जुलाई अगस्त के दौरान सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इस दौरान भक्त देवी भगवती की प्रार्थना करने के लिए 5 से 10 घंटे की लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ मंदिर में जानवरों की बलि देने की परंपरा है। कुछ तीर्थ यात्री मंदिर के पीछे एक मंडप में बकरियों या कबूतरों की बलि देते हैं। दोस्तों हमारे हिसाब से किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी जानवरों की बलि नहीं दी जानी चाहिए और यहाँ के जिला अधिकारी ने पशु पक्षी की बलि पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि मनोकामना मंदिर में दर्शन करने के लिए कितने रुपए लगते हैं। दोस्तों अगर आप मनोकामना मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको 30 नेपाली रुपए पार्किंग का देना पड़ता है और अगर आप मंदिर में खाना खाते हैं तो 150 रुपए का आपको खाना मिलता है और अगर आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लेते हैं तो 200 नेपाली रुपए देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस मंदिर में जाने से पहले आप 1500 नेपाली रुपए का इंतजाम कर व्यवस्था कर ही इस मंदिर में जाने के लिए सोचें। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप मनोकामना मंदिर यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल सुखद और मंगलमय हो। जय हो मनोकामना माता की। माता सबकी रक्षा करें और सबकी इच्छा को पूरी करें।